गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को डिस्कस किया था। हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को, उसके बाद हम लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज को, उसके बाद हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, हमें मिल जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को, लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को, तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाती है। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, और उसमें से लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाती है। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाती है। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, उसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में मार्केटिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स और उसके बाद अगर सेल्स लिखी जाए तो हमें प्रॉफिट या लॉस भी मिल जाता है, राइट? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें हमें परचेज को ऐड करना है, हमें उसमें एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेज को ऐड करना है, उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें हमें माइनस करना है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में, दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एक होता है जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं, और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते हैं। पैकिंग कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो पैकिंग कॉस्ट को हम प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट एज्यूम करते हैं। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं, और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर मैंने आपको बताया स्क्रैप के बारे में कि स्क्रैप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मटेरियल का स्क्रैप, एक होता है अदर स्क्रैप। मटेरियल का जो स्क्रैप है वो मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस होता है, और जो अदर स्क्रैप है वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम माइनस करते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, और इन सब के बारे में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, और उसके बाद में मैंने तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। अच्छा, कॉस्ट शीट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होते। डिस्काउंट, बैड डेट्स, इनकम टैक्स, किसी भी टाइप का प्रोविजन अगर आपने बनाया तो वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। डिविडेंड पेड किया है, चाहे वो प्रिफरेंस शेयर का हो चाहे वो इक्विटी शेयर का हो, वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। अगर इन्वेस्टमेंट को या फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है तो उसको सेल करने से अगर आपको लॉस होता है वो लॉस भी कॉस्ट शीट में नहीं आता, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर टू रिजर्व किया है तो वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन का हो, वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो कॉस्ट शीट में नहीं आती, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट शीट में हम उसको नहीं लेते, इनकम और इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते। कोई भी तरह का इंटरेस्ट हमें इनकम हो रही है चाहे वो एफडी पर हो चाहे किसी एडवांस पर हो, तो वो इंटरेस्ट की इनकम भी हम कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करते। क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है तो वो भी हम कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करते। रेंट की इनकम अगर आपको होती है तो वो भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल दिया था आपको होमवर्क में, उसको सबसे पहले आपने सॉल्व किया होगा, तो उसका जो सोल्यूशन आपने कैलकुलेट किया उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि आपने क्या सोल्यूशन किया, राइट? जो आपने होमवर्क में होमवर्क, चलिए सबसे पहले तो आपका जो कॉस्ट शीट
का जो होमवर्क था एग्जाम्पल नंबर टू, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। करें चेक, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए रॉ मटेरियल डिटेल दे रखी है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000, हमें रॉ मटेरियल की परचेज दे रखी है 1 लाख, इसमें 1 लाख ऐड करेंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे 10,000 रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, रिजल्ट इज 1,10,000। तो आपकी जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट आएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम इट इज 1,10,000, या इसको आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी लिख सकते हो। फिर हम इसमें लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज, और डायरेक्ट वेजेज हमें दे रखी है 50,000, डायरेक्ट वेजेज 50,000। फिर हम इस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज नॉट गिवन, तो ये हमें प्राइम कॉस्ट मिल गई, इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है डायरेक्ट वेजेज का 50%, राइट। तो डायरेक्ट वेजेज कितनी है, डायरेक्ट वेजेज है 50,000, 50,000 का 50% इजी 25,000, तो हमें क्या मिल गई, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग WIP स्टॉक और माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP स्टॉक, ओपनिंग WIP का जो स्टॉक है वो है 15,000, क्लोजिंग है 5,000, तो हम इसमें 15,000 ऐड करेंगे, 5,000 लेस करेंगे, तो हमें 195 इसका रिजल्ट मिलेगा विच इज फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो हम ये एज्यूम करते हैं इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 40%, एंड व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड, 25,000, 25,000 का 40% होता है 10,000, तो हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू 2,05,000। हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, जो कि हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 70,000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 80,000, तो इसमें हम 70,000 को ऐड करेंगे, 80,000 को लेस करेंगे, तो हमें 1,95,000 मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एग्जांपल में दे रखा है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 20%, तो 195 का 20% होता है 39,000, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी 1,95,000 प्लस 39,000 इट इज 2,34,000, ये मिल गई हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स नहीं दे रखी है तो हमारी कॉस्ट शीट यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो होप्स हो कि आपने सेम आंसर कैलकुलेट किया होगा, और अगर कुछ मिस्टेक है तो आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये हमारा एग्जांपल तो सॉल्व हो गया, उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था, और आज हम थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक बार उसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपको कॉस्ट शीट ही प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 60,000 प्लस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000 प्लस हमने रॉ मटेरियल परचेज किया 4,80,000, और इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, 4,90,000 इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज को विच इज 2,40,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दे रखे, तो इससे हमें क्या मिलेगी, इससे हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू 7,30,000, उसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड हमें दे रखे हैं 1 लाख रुपीज, चलिए 1 लाख रुपीज ऐड कर देते हैं, तो हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी 8,30,000, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट।
इसमें हम ऐड करेंगे WIP ओपनिंग और लेस करेंगे WIP क्लोजिंग। WIP ओपनिंग 12,000, WIP क्लोजिंग 15,000। ओपनिंग WIP स्टॉक 12,000, क्लोजिंग WIP स्टॉक 15,000। तो हमें 827 ये हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और यहाँ स्पेसिफिकली दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज 50,000। तो 50,000 को हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिजल्ट इज 877, सॉरी इट इज फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज फैक्ट्री कॉस्ट एंड इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमारा कितना है? ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमारा है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1,10,000। 90,000 ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 1,10,000, रिजल्ट इज 8,57,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा दे रखा है 25,000। 25,000 हम ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी, विच इज 8,82,000। फिर हम लिखेंगे सेल्स विच इज 10,00,000 और हमारा नेट प्रॉफिट हमें मिल जाएगा 1,18,000। तो बिल्कुल इजी था, सारी डिटेल क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी थी और ये क्वेश्चन हमें दे रखा है स्टडी मॉड्यूल में। तो 10,00,000 रुपीज़ की सेल्स, डिफरेंस जो है टोटल कॉस्ट और सेल्स का वो हमारा आ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा था, परचेज दे रखी थी तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, वेजेस डायरेक्टली दे रखी थी, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली दे रखा था, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP स्टॉक डायरेक्टली दे रखा था, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था डायरेक्टली, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डायरेक्टली मेंशन थे कि इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और उसका अमाउंट भी दे रखा था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डायरेक्टली दे रखी थी, सेल्स डायरेक्ट, मतलब कुछ भी हमें ऐसी कोई डिटेल नहीं थी कि हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़े और यहाँ पर लिखना पड़े, सब की सब डिटेल हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी थी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर है नेट प्रॉफिट 1,18,000। और जो जो और कैलकुलेट करने को पूछा है, रॉ मेटल कंज्यूम्ड है, प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, नेट प्रॉफिट है, तो ये जो कॉस्ट शीट बनेगी इसमें A to E सारे आंसर एक साथ आ गए। मतलब कॉस्ट शीट के ऊपर आप लिखोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में A to E, मतलब ये A to E सबके आंसर एक साथ है, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया एंड होप्स हो कि आपने भी ये ही आंसर कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, चलिए आज हम करते हैं आगे और क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस है ज़्यादातर आगे जो करेंगे वो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको समझना, अच्छी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है नवंबर 2020, ये तो बहुत लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ क्यू लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। लेबर कॉस्ट 1,20,000 बींग 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए क्या दे रखा है, लेबर की जो कॉस्ट है वो हमें डायरेक्टली दे रखी है, इट इज 1,20,000, इट इज लेबर कॉस्ट। और ये जो लेबर कॉस्ट है 1,20,000, ये फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है, ये फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। मान लो फैक्ट्री ओवरहेड 100% है तो डायरेक्ट वेजेज 120% है, राइट। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे? ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये 1,20,000 है एंड इट इज इक्वल टू 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 120% का डिवाइड करना पड़ेगा,
जब आप 120% का डिवाइड करोगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 1 लाख। 1 लाख इज फैक्ट्री ओवरहेड। 1 लाख क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है, उसका 120% डायरेक्ट वेजेज है। अब आप चेक कर सकते हो, 1 लाख रुपए फैक्ट्री ओवरहेड है, 1 लाख रुपए का 120% अगर हम करते हैं देन इट इज 1,20,000। तो आप कोई भी कैलकुलेशन इस टाइप की करते हो तो वापस एक बार रिकंसल्ट कर लेना कि बराबर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है अमाउंट। मतलब ये कहना चाहता है 1,20,000 डायरेक्ट वेजेज है और ये डायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट किया 1 लाख। अब आप वापस एक बार चेक कर लेना कि क्या 1 लाख रुपये का 120% 1,20,000 होता है? होता है, इसका मतलब हमने कैलकुलेट ठीक किया, करेक्ट। तो ऐसी कभी भी कैलकुलेशन आए तो एक बार वापस से रिकंसल्ट कर लेना कि कैलकुलेशन सही है या नहीं है, राइट। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 1,20,000 है और ये फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है। तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट किया, इट इज 1 लाख रुपीज। फैक्ट्री ओवरहेड हमें पता चल गए, हमें लेबर की कॉस्ट भी पता चल गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कॉस्ट शीट में सबसे लास्ट में टोटल कॉस्ट, हमें वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है। तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर इसमें आएगा, मतलब कहने का सेल्स 5 लाख रुपीज, ठीक है, ओके। अकाउंट शो द फॉलोइंग फिगर, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, अदर डेटा आर एज फॉलोज, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कौन से? जनरल, इसका मतलब है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन नहीं है, इसको हमें कहाँ लिखना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद लिखना है, ठीक है। इट इज 18,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट अर्न। आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? एक डिटेल मिसिंग है, एक डिटेल मिसिंग है। आप पहले चेक करो कि इसमें क्या मिसिंग है, एक बार आराम से सोचो कि इसमें क्या मिसिंग है। अगर मैं कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करता हूं तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या मिसिंग है जिसके कारण कॉस्ट शीट बन ही नहीं सकती? कॉस्ट शीट बनाओगे कैसे? क्योंकि एक डिटेल इसमें मिसिंग है। क्या मिसिंग है? हम सबसे पहले कॉस्ट शीट कहां से स्टार्ट करते हैं? लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, ये हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बट आप बताएं इस क्वेश्चन में परचेज कहां दे रखी है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बट हमें परचेज नहीं दे रखी है। तो जब परचेज ही नहीं है तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, स्टार्टिंग ही वही पॉइंट है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर जब परचेज है ही नहीं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे? परचेज है तो सही बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में परचेज नहीं दे रखी है, परचेज नहीं दे रखी है। तो आप कॉस्ट शीट सबसे पहले लिखते हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो बनाना स्टार्ट कैसे करोगे? तो बाकी हमें डिटेल है, देखो डायरेक्ट वेजेज की हमें डिटेल है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेज लिखते हैं वो डिटेल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है इसका मतलब है ही नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद हमें प्राइम कॉस्ट मिलती है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की डिटेल हमारे पास है, फिर हम ओपनिंग स्टॉक WIP, क्लोजिंग स्टॉक WIP एड लेस करते हैं, वो भी हमारी डिटेल है। फिर हम लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है वो है ही नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं दे रखी है मतलब है ही नहीं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं दे रखी है तो नहीं है, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी नहीं दे रखी है तो नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप नहीं दे रखा मतलब नहीं है। तो चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आप पहुंच जाओगे, उसमें आप ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करोगे वो है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस करोगे वो भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंच जाओगे, उसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक भी पहुंच जाओगे, फिर सेल्स दिखेगा। केवल एक डिटेल नहीं है,
अगर ये एक डिटेल भी इस क्वेश्चन में दे रखी होती ना परचेज, तो मैं आपको लास्ट क्लास में ही इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देता। केवल एक डिटेल नहीं है, कौन सी? परचेज। अब आप बताइए मुझे, दिमाग बराबर आप लगाइए कि ये बताओ कि इसमें परचेज कैसे निकालेंगे, कैसे बनाए कॉस्ट शीट। वैसे हमें बनाना तो कॉस्ट शीट है, तो कॉस्ट शीट कैसे बनाए? बिल्कुल, आप 1 मिनट के लिए आराम से सोचिए कि हम इसमें कैसे कॉस्ट शीट बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। इसमें हम कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? नवंबर 2020 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहां पर पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। देखिए, परचेज तो नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, परचेज नहीं दे रखी। ठीक है, मगर आपको इस क्वेश्चन में एक डिटेल दे रखी है जो आपके लिए, इस क्वेश्चन के लिए रामबाण साबित होगा। क्या? वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमें इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल दे रखी है। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल दे रखी है, इस वजह से हम कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, सबसे पहले हम कॉस्ट शीट में लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका अमाउंट अभी नहीं कैलकुलेट हो सकता क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग है, परचेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जो दे रखा है उसको तो लिखते हैं। फिर हम इसमें लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। हमें यहां डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 1,20,000। चलिए इसको तो लिख लें, 1,20,000 इज डायरेक्ट वेजेस। हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें इससे मिल जाती है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 120% एंड इट्स अमाउंट इज 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड से हमें क्या मिल जाती है? हमें मिल जाती है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें से हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का हमें दे रखा है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है 30,000। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस 20,000, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस 30,000। तो हमें इससे क्या मिल जाती है? इससे हमें मिल जाती है वर्क्स कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है, बट वो है नहीं क्वेश्चन में।
क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी नहीं है, इसमें हमारे पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी नहीं है, प्राइमरी कॉस्ट पैकिंग भी नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी नहीं है। तो चलिए, इन सबको अगर ये नहीं है तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट है, या फिर हम इसी को कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारे पास क्या मिल गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को हम इसमें ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को हम लेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमारे पास है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है हमारे पास 60,000। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमारे पास है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमारे पास है 60,000। तो हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज 22,000। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल हमें दे रखे हैं, वो भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, जनरल विच इज 18,000। ये हमारा 18,000 अमाउंट आ गया, 18,000। तो इससे हमें क्या मिलेगी, इससे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल मिल जाएगी। इट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 4 लाख, और सेल्स भी हमें दे रखी है 5 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 लाख और सेल्स की डिटेल हमें दे रखी है 5 लाख। तो हमें इससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपए, करेक्ट। अब आपको क्या लगता है, इस कॉस्ट शीट को कंप्लीट कैसे करेंगे, अब हम इस कॉस्ट शीट को कंप्लीट कैसे करेंगे, अब हम चलेंगे रिवर्स। रिवर्स चलने का मतलब है अब हमें कॉस्ट ऑफ सेल से स्टार्ट करना है और ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम तक पहुंचना है। 4 लाख कॉस्ट ऑफ सेल से ये हमें दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, जो चीज ऐड हो रही है वो हम करेंगे लेस। जब हम रिवर्स चलते हैं तो उल्टा करना है, जो चीज ऐड हो रही है उसको लेस करो, जो चीज लेस हो रही है उसको ऐड करो। तो ऊपर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और पूरी कॉस्ट शीट हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है 4 लाख, इसमें 18,000 हमें माइनस करना है। 4 लाख में से 18,000 हम माइनस करेंगे, इसमें से 22,000 भी हमें माइनस करना है। तो हमें कितना अमाउंट मिला, 360। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट मिल गया 3,60,000। हम 360 में 60,000 को ऐड करेंगे और 50,000 को लेस करेंगे, तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट का अमाउंट मिल जाएगा 3,70,000। इस 3,70,000 में से हम 30,000 को ऐड करेंगे, 20,000 को लेस करेंगे, तो हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का अमाउंट मिल जाएगा 3,80,000। इस 380 में से 1 लाख हम माइनस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हमें प्राइम कॉस्ट की डिटेल मिल जाएगी 2,80,000। इसमें से 1,20,000 डायरेक्ट वेजेज को माइनस करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा 1,60,000। और ये हमारी कॉस्ट शीट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने निकाला है, इट इज बैलेंसिंग फिगर। अब हम चाहें तो परचेज भी निकाल सकते हैं। परचेज कैसे निकालेंगे, परचेज अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल में हम ऐड करते हैं परचेज को और हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को, क्लोजिंग
स्टॉक रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हमारा कितना है? ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हमारा है 20,000, क्लोजिंग है 25,000। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल हमारा है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। परचेज हमें नहीं पता, वो ही तो हमें कैलकुलेट करनी है। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें पता है, हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कितना आ गया? 1,60,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में लिखते हैं 1,60,000। तो क्या हम परचेज को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1,60,000 में हमें ऐड करना है 25,000 और लेस करना है 20,000, तो हमें 165 परचेज बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। वैसे तो क्वेश्चन में परचेज को कैलकुलेट करने का नहीं दे रखा, हमें तो कॉस्ट शीट ही प्रिपेयर करनी है। बट अगर इस क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा होता कि आप रॉ मटेरियल परचेज को कैलकुलेट करो, तो क्या कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल दे रखी थी, हम रिवर्स चले और रिवर्स चलते चलते हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम भी मिल गया और हमारी ये कॉस्ट शीट कंप्लीट भी हो गई। करेक्ट, आई थिंक आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। तो आप फटाफट से इस कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने कुछ अभी तक ज्यादा इसको नहीं लिखा है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके, हमेशा आप ऐसे करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कीजिए और फिर आगे और देखते जाइए। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कैसा था? आसान क्वेश्चन था। कैसा था? आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नवंबर 2018 के एग्जाम में आ चुका है। नवंबर 2018 के एग्जाम में ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मेसर्स जेड आई ए प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडेड एंडिंग 30 सितंबर 2018। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे पहले इसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लिखा है कि भैया हर बार देते नहीं है, इस बार तो पहले सबसे पहले लिख ही दो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,80,000। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट 257,250 है। और ये वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का 175%। तो डायरेक्ट वेजेज इज 257,250 और ये फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है। तो क्या आप फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हो? लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, 257,250 में हम डिवाइड करेंगे 175% का, तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड हमें मिलेंगे 1,47,000। अब आप रिकंसाइल करो, 1,47,000 का 175% करो, 1,47,000 मल्टीप्लाई बाय 175%, तो हमें वेजेज का अमाउंट मिलेगा 257,250। मतलब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड हमने कैलकुलेट किए 147, इट इज करेक्ट, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस बार हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा था। लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, मतलब ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था। वहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी थी, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट दे रखा। इन्वेंट्री अकाउंट शो द फॉलोइंग फिगर, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओके। अदर डेटा एज फॉलोज, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 10% है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का 10% है। अच्छा, ये नहीं दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली दे रखा था, बट इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इट इज
रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, इट इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हमें 60,000, सेल्स रखी है 22,10,000, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। आई थिंक बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले ट्राई करोगे इसकी कॉस्ट शीट बनाने के लिए। कॉस्ट शीट आप लोग सबसे पहले प्रिपेयर करो, वीडियो को आप पॉज कीजिए, पूरी कॉस्ट शीट आप प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फिर आप अपने आंसर को मेरे आंसर से रिकंसल करके चेक करना कि आपने ठीक किया या नहीं किया। आपको वीडियो पॉज करना है और उसके बाद में पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। कॉस्ट शीट, जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पर आपको क्या दे रखा था, वहां पर आपको डिटेल दे रखी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स की और यहां डिटेल दे रखी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। सबसे पहले हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज, फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमें डिटेल जो मिलती है उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस। इसके रिजल्ट को हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्योंकि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, कुछ नहीं दे रखा है तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम लिखते हैं सेल्स, डिफरेंस इज प्रॉफिट, सबसे पहले हम जो जो दे रखा है सारे लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 1,80,000, 1,80,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हमें डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 257,250, फैक्ट्री ओवरहेड हमने कैलकुलेट की 257,250 डिवाइडेड बाय 175%, 1,47,000, करेक्ट। देन फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस 1,70,800,
170,800 और हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस विच इज 190,000 190,000। तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। यहां पर हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विच इज 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितने, फैक्ट्री ओवरहेड 147,000 है, इसका 10% होता है 14,700। तो हमें क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स विच इज 3,10,000 और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स विच इज 2,75,000 2,75,000। तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज गिवन इन क्वेश्चन, इट इज 18,75,000 18,75,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 60,000 सेलिंग ओवरहेड। हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 18,75,000 में 60,000 ऐड करेंगे तो 19,35,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, इट इज 22,10,000 22,10,000 की हमें सेल्स दे रखी है, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 2,75,000। अब हम रिवर्स चले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,75,000 इसमें हम ऐड करेंगे 275 और माइनस करेंगे 3,10,000 18,40,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18,40,000 उसमें से हम माइनस करेंगे 14,700 18,25,300 उसमें हम ऐड करेंगे 1,90,000 माइनस करेंगे 1,70,800 तो 18,44,500 उसमें से हम माइनस करेंगे 14,700 1,47,000 तो हमें मिलेगा 16,97,500 16,97,500 उसमें से हम माइनस करेंगे 1,80,000 और माइनस करेंगे 2,57,250 तो हमें मटेरियल कंज्यूम मिलेगा 12,60,250। अब एक बार इसको डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कि सारी कैलकुलेशन ठीक है। 1,260,250 प्लस 257,250 ऐड करेंगे 1,80,000 ऐड करेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगी 16,97,500 इसमें फैक्ट्री ओवरहेड 1,47,000 ऐड करेंगे तो 18,44,500 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इसमें प्लस करेंगे 1,70,800 ओपनिंग स्टॉक WIP माइनस करेंगे 1,90,000 18,25,300 उसमें ऐड करेंगे 14,700 फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इट इज 18,40,000 इसमें ऐड करेंगे 3,10,000 माइनस करेंगे 275 तो इट इज 18,75 उसमें ऐड करेंगे 60,000 1935 उसमें से 2,210 में से इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा 2,75,000 एवरीथिंग इज करेक्ट ओके। और यहाँ लिखेंगे ये जो आंसर है वो ए टू ई का आंसर है सॉल्यूशन करेक्ट। अच्छा अगर हमें परचेज निकालनी हो तो बिल्कुल हम परचेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 अगर मैं यहाँ पर परचेज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल उसमें मुझे ऐड करना है परचेज को और उसमें से मुझे लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें दे रखा है 245,600 और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें दे रखा है 2,08,000 मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कैलकुलेट किया कॉस्ट शीट से 1,260,250 में मुझे ऐड करना है 2,08,000 को लेस करना है 245,600 को तो मुझे परचेज की वैल्यू मिल जाएगी 1,22,650 इट इज बैलेंसिंग फिगर करेक्ट। तो आप लोग फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए, जहां जहां पर भी पेंडिंग है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए।
ये क्वेश्चन और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं और दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कॉस शीट का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये हमारे एग्जाम में आ चुका है मई 2018 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2,28,000, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3,05,000, रॉ मटेरियल की परचेज हमें दे रखी है 42,25,000, फ्रेट इनवर्ड हमें दे रखा है 1,00,000, डायरेक्ट वेजेज पेड हमें दे रखी है 12,56,000, डायरेक्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेज होती है इसको हम वेजेज में ही ऐड कर देते हैं, करेक्ट, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और प्रीपेड को लेस करते हैं, राइट। फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20% है, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 192,500, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 1,40,700, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 1,73,000, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ₹16 per unit, फिनिश स्टॉक ओपनिंग उसकी क्वांटिटी दे रखी है 1,217 units, फिनिश स्टॉक ओपनिंग की क्वांटिटी हमें दे रखी है 1,217 units और उसकी वैल्यू भी दे रखी है 6,08,500। फिनिश गुड्स ओपनिंग का क्वांटिटी और वैल्यू दोनों हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटीरियल यहां पर स्पेसिफिकली हमें दे रखा है कि ये मटीरियल का स्क्रैप है। अगर मटीरियल का स्क्रैप है तो मैंने आपको बताया था कि इसको हमें मटीरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करते समय ही माइनस कर देना, ठीक है। तो 8,000 का मटीरियल का स्क्रैप है, राइट। द फर्म प्रोड्यूस 14,000 units ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, इट इज प्रोडक्शन यूनिट इज 14,000। The stock of finished goods at the end of the year is valued at cost of production. जो हमारा finished goods का stock है, closing stock है, उसका valuation cost of production पे हमें करना है। वैसे भी cost of production पर ही finished goods का valuation होता है, right? The firm sold 14,153 units at a price of ₹618 per unit during the year. जितनी हमने unit sell की है वो हमें दे रखी है 14,153 और 618 इज सेलिंग प्राइस। आपको कॉस्ट शीट बनानी है। देखो यहां पर हमें ये नहीं दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, तो मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट कितनी है, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट है 1,217 units। हमने कितना प्रोडक्शन किया, हमने प्रोडक्शन किया 14,000 का और हमने कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर दी 14,153, तो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट प्लस
हमने जितना प्रोडक्शन किया उसकी यूनिट को उसमें ऐड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे हमने जितनी यूनिट सेल कर दी। रिमेनिंग इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट को सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सोल्ड, रिजल्ट इज क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद में हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड की यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट को सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट्स 1217। 1217 जब ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारे पास इतना स्टॉक था, 1217 यूनिट का स्टॉक था। हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोडक्शन किया? प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन की यूनिट हमारी दे रखी है 14,000। 14,000 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया। और लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स जो यूनिट है वो हमें दे रखी है, इसमें से लेस करते हैं, लेस सेल्स की यूनिट। सेल्स यूनिट हमने कितनी यूनिट सेल की? हमने यूनिट सेल की 14153। तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की हमें यूनिट्स मिल जाएगी। हमारे पास ओपनिंग में 1217 यूनिट का स्टॉक था, हमने 14,000 यूनिट का और प्रोडक्शन किया। 14,000 यूनिट का जब हमने प्रोडक्शन किया तो हमारा क्वांटिटी कितना हो गया? 15217। उसमें से हमने 14153 यूनिट्स को बेच दिया। इट मीन्स 1064 यूनिट इज क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ये क्वांटिटी है 1064, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है जिसका वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा। और उसका वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है। हमने एक दो एग्जाम्पल इसमें किए हैं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यूएशन करेंगे और अब हम बनाते हैं इसकी कॉस्ट शीट। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना। कॉस्ट शीट, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करते हैं परचेज को, उसमें ऐड करेंगे फ्रेट इनवर्ड को, और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल दे रखा है हमें, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल दे रखा है हमें, रॉ मटेरियल की परचेज दे रखी है, और हमें फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड या कैरिज इनवर्ड एक ही बात है, फ्रेट इनवर्ड हमें दे रखा है। इनके एडजस्टमेंट से हमें क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना सकते हैं। इसका वर्किंग नोट हम बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड या फिर रॉ मटीरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम उसमें ऐड करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, तो इसमें पहले ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे फ्रेट इनवर्ड, और इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें हम ऐड करेंगे परचेज को, ऐड करेंगे फ्रेट इनवर्ड को और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, इसमें से एक चीज और लेस करेंगे, क्या, स्क्रैप ऑफ मटेरियल को, क्या करेंगे, स्क्रैप ऑफ मटेरियल। मैंने आपको बताया था कि स्क्रैप दो टाइप के होते हैं, मटेरियल का स्क्रैप होता है और एक होता है अदर स्क्रैप। तो मटेरियल का जो स्क्रैप होता है वो मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस होता है, और जो अदर स्क्रैप होता है वो हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में माइनस करते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो हमें इसको क्या करना है, मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2,28,000, 2,28,000। इसमें हम ऐड करेंगे परचेज को, हमारी परचेज है 42,25,000, 42,25,000। हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेट इनवर्ड को, विच इज 1,00,000, फ्रेट इनवर्ड 1,00,000। हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, विच इज 3,05,000, 3,05,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और हम इसमें से लेस करेंगे स्क्रैप ऑफ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ मटेरियल इज 8,000, 8,000 इज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। तो इससे हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट मिल जाएगा, 2,28,000 ओपनिंग स्टॉक, 42,25,000 परचेज, 1,00,000 रुपीज फ्रेट इनवर्ड, माइनस 3,05,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस 8,000 सेल ऑफ स्क्रैप, इट इज 42,40,000, 42,40,000 इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को हम यहां लिखेंगे 42,40,000, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेम थिंग। इसके बाद में हम यहां लिखेंगे डायरेक्ट वेजेज को, डायरेक्ट वेजेज और ब्रैकेट में करते हैं। डायरेक्ट वेजेज हमने कितनी पे की, 12,56,000 का तो पेमेंट किया है, और डायरेक्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग है 1,50,000। तो 12,56,000 डायरेक्ट वेजेज प्लस इसमें आउटस्टैंडिंग है 1,50,000, 1,50,000 का आउटस्टैंडिंग है, 12,56,000 प्लस 1,50,000, 14,06,000 इज डायरेक्ट वेजेज। क्या हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, क्या हमें क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेज, इन दोनों की टोटल को हम क्या कहते हैं, इन दोनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, इन दोनों की टोटल को क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। 42,40,000 प्लस 14,06,000, इन दोनों की टोटल 56,46,000, और ये हमारी हो गई प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट हमें यहाँ पर दे रखा है, इट इज प्राइम, इट इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का 20% है। तो प्राइम कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारी प्राइम कॉस्ट है 56,46,000, इसका 20% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है, मल्टीप्लाई बाय 20% 11,29,200, इट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 56,46,000 प्लस 11,29,200, इट इज़ 67,75,200, इट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस विच इज 192,500, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस विच इज 1,92,500, और हम इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक
वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का हमें यहाँ पर दे रखा है 1,40,700, 1,40,700 क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा कॉस्ट, यहाँ पर हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट 67,75,200 में प्लस करेंगे 192,500, माइनस करेंगे 1,40,700, इट इज 68,27,000, 68,27,000 इज अवर फैक्ट्री कॉस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विच इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हमें दे रखे, इट इज 1,73,000, 1,73,000। इस क्वेश्चन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं दे रखी है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी नहीं है, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी भी नहीं दे रखी है, और सेल वैल्यू ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी नहीं दे रखा है। स्क्रैप दे रखा है बट वो मटीरियल का स्क्रैप है, मटीरियल का स्क्रैप हम मटीरियल की कॉस्ट में से ही माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद में हमें क्या मिलेगी, फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू, क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो गई 68,27,000, इसमें ऐड करेंगे 1,73,000, 70 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना मिलेगा 70 लाख मिलेगा। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी भी हमें पता है और वैल्यू भी हमें दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का आपको कभी वैल्यूएशन करना नहीं होगा, दे रखा होगा 6,08,500, 6,08,500 इट इज ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और इसमें से हमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कैलकुलेट करते हो, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कैलकुलेट करते हो उसमें आपको डिवाइड करना है प्रोडक्शन की यूनिट का और उसमें मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आपकी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 70 लाख, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 70 लाख, उसमें आपको डिवाइड करना है प्रोडक्शन की यूनिट का विच इज 14,000, प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है 14,000, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट का, और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट है 1064। हमने वर्किंग नोट वन, हमने इसको कैलकुलेट किया था, वर्किंग नोट नंबर वन हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो ये जो मटेरियल कंजम्पशन का निकाला है ये वर्किंग नोट नंबर टू हो गया। तो वर्किंग नोट नंबर वन में हमने क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट कैलकुलेट की थी विच इज 1064, और प्रोडक्शन की यूनिट हमें क्वेश्चन में ही दे रखी थी 14,000। तो 14,000 यूनिट का डिवाइड करेंगे और 1064 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मिल जाएगा, राइट। 70 लाख हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 14,000 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया है, इट मीन्स हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट वो है 500 रुपये, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 1064 यूनिट का, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हमें मिल गया 5,32,000। तो इससे क्या होगा, इससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू पता चल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 70 लाख में से हमें क्या करना है, 70 लाख में हमें ऐड करना है 6,08,500 को ऐड करना है और माइनस करना है 5,32,000 को, 70,76,500 इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमें इसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करना है, और इस क्वेश्चन में यहाँ एक डिटेल दे रखी है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिए हुए, देखो ये हो गया ये भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे हैं 16 रुपीज़ पर यूनिट,
जो डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड है वो पर यूनिट 16 रुपये। अच्छा, यूनिट कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये जितनी यूनिट हम सेल करते हैं उस पर लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर आपको पर यूनिट दे रखा है, सेलिंग ओवरहेड अगर आपको पर यूनिट दे रखा है, तो जितनी यूनिट हमने सेल की है उस पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड चार्ज करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 16 रुपीज़ पर यूनिट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये यहाँ वैसे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि 16 रुपीज़ पर यूनिट ऑन यूनिट सोल्ड, ऐसा नहीं दे रखा है, बट इट इम्प्लाइड कि डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड, जितनी यूनिट हम सेल करते हैं उतनी यूनिट पर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो 16 रुपीज़ पर यूनिट, हमने कितनी यूनिट सेल की? हमने यूनिट सेल की, देखो यहाँ लिखा हुआ है सबसे लास्ट लाइन में क्वेश्चन में, फर्म सोल्ड 14153 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ ₹618। तो हमने कितनी क्वांटिटी सोल्ड की? 14153। तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैलकुलेट करना है, 14153 मल्टीप्लाई बाय 16, 14153 मल्टीप्लाई बाय 16, इट इज 226, 226 448। तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा 226, 448 और 70 लाख, 76,500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी 73,02,948। फिर हम लिखेंगे सेल्स, कितने यूनिट सेल की हमने? हमने यूनिट सेल की है 14153 मल्टीप्लाई बाय, हमारी जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है 618। जितनी यूनिट हमने सेल की है मल्टीप्लाई बाय 618 हमारी सेलिंग प्राइस है। जब हम इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। 14153 मल्टीप्लाई बाय 618, हमारी सेल्स वैल्यू हो गई 87,46,554। तो 87,46,554 में से माइनस करेंगे हम टोटल कॉस्ट 73,02,948 को, तो हमें बैलेंस में क्या मिल जाएगा? हमें बैलेंस में प्रॉफिट मिल जाएगा 14,43,606। 14,43,606 इज आवर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ओके, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो चुकी है। आप फटाफट से इस कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर लीजिए, पूरे सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लीजिए। जो जो इसके पॉइंट थे एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या अच्छे पॉइंट थे, उन सारे पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, मई 2018 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें एक जो अच्छा पॉइंट था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, जो फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसका वैल्यूएशन हमें दे रखा है। जो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसकी क्वांटिटी हमें दे रखी है, तो हमें उसका वैल्यूएशन करना पड़ा। पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्टली आपको वैल्यूएशन दे रखा था।
तो इस क्वेश्चन में क्या अच्छे पॉइंट थे? देखो, रॉ मटेरियल की जो कैलकुलेशन थी वो तो बहुत इजी थी, क्योंकि वो सारा का सारा हमें यहाँ पर डिटेल क्वेश्चन में दे रखा था। एक नया पॉइंट जो इस क्वेश्चन में आया वो है स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप होता है तो वो मटेरियल की कॉस्ट में से ही हमें माइनस करना है। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होता, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, ये आपको यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ होता, सेल ऑफ, केवल इतना ही लिखा हुआ था सेल ऑफ स्क्रैप, तो हम इसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद माइनस करते, मटेरियल में से माइनस नहीं करते। मटेरियल का अगर स्क्रैप होगा तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा होगा इट इज मटेरियल स्क्रैप, तो फिर आपको उसको मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करना है, अदरवाइज आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ही माइनस करोगे, राइट? तो देखिए, रॉ मेटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग परचेज फ्रेट इनवर्ड, हम जो भी परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जैसे एक क्वेश्चन में था मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, है ना, यहाँ पर है फ्रेट इनवर्ड, इसका नाम कैश इनवर्ड भी आ सकता है ना, तो ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम परचेज कॉस्ट में ही, मटेरियल कॉस्ट में ही और ये जो आपका सेल ऑफ स्क्रैप है इसको हमने माइनस किया, तो जो मटेरियल के पॉइंट थे वो तो नॉर्मल थे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी थी। अच्छा, वेजेस में आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग, आपको पता है अकाउंट्स में हम कि आउटस्टैंडिंग होता है हम उसको ऐड करते हैं और जो प्री पेड होता है हम उसको लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्री पेड को कैश करते हैं, ये बिल्कुल आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप बिल्कुल लिख लीजिए। अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो हम उसको ऐड करते हैं और प्री पेड होता है तो हम उसको कैश करते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सपेंडिचर तो उसी ही करता है बट हमने उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया, इसलिए हम उसको क्या करते हैं एक्सपेंडिचर में ऐड कर देते हैं। प्री पेड को लेस क्यों करते हैं कि वो हमने जो एक्सपेंडिचर पेमेंट किया है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, हम उसका पेमेंट करेंट ईयर में कर दें, तो वो एक्सपेंडिचर तो नेक्स्ट ईयर का है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं प्री पेड को हम एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देते हैं। तो हमें केवल करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को ही लिखना होता है कॉस्ट शीट के अंदर। तो आउटस्टैंडिंग ऐड क्या करोगे, ऐड करोगे, प्री पेड ऐड क्या करोगे, लेस करोगे। यहाँ पर डायरेक्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग की हमने डायरेक्ट वेजेज में ही उसका अमाउंट ऐड कर दिया, तो 1256 और 150 दोनों की टोटल हो गई 14,00,000, हमने ये डायरेक्ट वेजेज अमाउंट दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेज का भी अमाउंट ठीक था, उसने आउटस्टैंडिंग का पॉइंट दे रखा था। डायरेक्ट एक्सपेंसिस डिटेल अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो ही लिखना है, अदरवाइज डायरेक्ट एक्सपेंसिस आज के लिए चाहिए, अगर है तो दे रखा होगा, नहीं तो इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसिस जीत। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस एक दोनों की टोटल मिलकर के आपकी टाइम कॉस्ट थी। फिर हमने इसमें ऐड किए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में देख रखा था कि जो प्राइम कॉस्ट है उसका 20% है, प्राइम कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जितनी प्राइम कॉस्ट है उसका 20% हमने फैक्ट्री ओवरहेड का चार्ज किया, तो हमें क्या मिल गई, हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू मिल गई। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, ये जो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू दे रखी हो, केवल एक फिनिश गुड का जो स्टॉक हो सकता है उसकी क्वांटिटी दे रखी हो और आपको उसकी वैल्यूएशन करनी पड़े। WIP में कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वांटिटी दे रखी है, वैल्यूएशन करो, वैल्यूएशन करना नहीं पड़ेगा, रॉ मटेरियल भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रॉ मटेरियल का और रॉ मटेरियल का स्टॉक और WIP का स्टॉक, इन दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऑलवेज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो हमने इसमें क्या कि WIP का ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, तो हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू। इसके बाद में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेट रिलेटेड टू प्रोडक्शन यहाँ पर सिंपली दे दी। अगर ये क्वेश्चन में नहीं की रखा होता, केवल ये लिखा होता एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वी एज्यूम दैट इट इज रिलेटेड प्रोडक्शन और हमें फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल जो होंगे ना वो आपको स्पेसिफिकली दे रखे होंगे, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हमें क्या करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ में लिखना है, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग प्रोडक्शन है हम उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में लिख देते हैं। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि कोई बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना नहीं है, मतलब है ही क्वालिटी कंट्रोल
कंट्रोल कॉस्ट है नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है ही मतलब ये जो दो तीन एक्सपेंडिचर यहाँ पर आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट या फिर आपका एक्सपेंडिचर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट या फिर आपका एक्सपेंडिचर आता है प्राइम की पैकिंग कॉस्ट, ये अगर क्वेश्चन में देश के होंगे तो ही लिखना है, अदरवाइज ये हम मान लेते हैं कि ये चीज होंगे। सेल वैल्यू स्क्रैप, स्क्रैप मटेरियल का था इसीलिए यहाँ पर रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप मटेरियल की कॉस्ट में माइनस हो गया। ठीक है, चलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पॉइंट हो गया। तो हम क्या मिल गई, हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। फिर हमने इसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड की हमें क्वांटिटी भी दे रखी है और वैल्यू भी दे रखी है, और ये आपको जिंदगी क्वेश्चन में हमेशा फिनिश गुड ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा होगा। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट हमें क्वांटिटी भी नहीं दे रखी है और वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो हमें कैलकुलेट करनी होगी। कैसे कैलकुलेट किया हमने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने 14,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने 14153 यूनिट को सेल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 1217 यूनिट्स का, 1217 यूनिट का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। हमने 14,000 यूनिट का और प्रोडक्शन किया, तो 1217 यूनिट पहले से थी, 1217 यूनिट हमारे पास पहले से थी, 14,000 यूनिट का हमने और प्रोडक्शन किया, तो 1217 और 14,000 यूनिट का हमने और प्रोडक्शन किया, तो हमारे पास टोटल यूनिट हो गई 15217, कितनी यूनिट हो गई 15217, और उसमें से हमने 14153 यूनिट को बेच दी, 14153 यूनिट को बेचा, तो हमारे पास स्टॉक बच गया 1064 यूनिट का, 1064 यूनिट का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और इस वैल्यूएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिले, क्या मिले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है आप में, आपको उसमें डिवाइड करना है प्रोडक्शन की यूनिट का और उसको मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड की यूनिट का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितनी मिली, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिली 70 लाख, उसमें हमने प्रोडक्शन की यूनिट का डिवाइड किया 14,000 और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट 1064, 70 लाख में 14,000 डिवाइड किया और 1064 यूनिट मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मिल गया विच इज 5,32,000। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करने के बाद क्या मिला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड तो नहीं दे सके, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे सके और वो भी हमने पर यूनिट दे सकते हैं 62 रुपीज पर यूनिट। मैं आपको बता दूँ कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगते हैं वो सेल्स यूनिट पे लगते हैं, मतलब यूनिट पे प्रोडक्शन यूनिट पे फैक्ट्री ऑपरेट कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट लग सकती है, लेबर की कॉस्ट लग सकती है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो लगते हैं वो सेल्स, हमने जितनी यूनिट मार्केट में सेल किए उस यूनिट पर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कैलकुलेट करने होते हैं। हमने कितनी यूनिट मार्केट में सेल की, 14153, हमने 14153 मार्केट में सेल की और ये पर यूनिट 16 रुपये, 14153 मल्टीप्लाई बाय 60, इट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 226,448। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गई, हमने सेल्स को लिखा, सेल्स कैसे लिखा, हमने 14153 यूनिट को सेल किया एंड एट द रेट 618, तो सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस रिजल्ट इज सेल्स, सेल्स और टोटल कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस हमें मिल गया प्रॉफिट विद 3,43,606। तो इसमें नया पॉइंट एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का था जो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था, एक स्क्रैप ऑफ मटेरियल हमें यहाँ पर दे रखा था और एक डिस्क्रिप्शन ऑफ रेट जो देखेंगे तो वो पर यूनिट से देखे थे आप, तो सबको कैलकुलेट हमने क्वेश्चन में किया। डायरेक्ट मटेरियल पूंजी बिल्कुल आपको मैंने बता दिया, ओपनिंग परचेज प्लस रेट कन्वर्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट माइनस स्क्रैप ऑफ मटेरियल, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करते हैं, 20 चैप्टर में।
स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो आज हम आज का जो हेलीकॉप्टर शॉट है, आज हमने क्या जो पढ़ा, आज हमने कॉस्ट शीट बनाने के तीन क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जांपल क्वेश्चन तीन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जो पहले क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 3, उसके होमवर्क को हमने वापस से डिस्कस किया, ठीक है। फिर 4th, 5th और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, तीनों में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना था। वो क्वेश्चन जो किए क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5, उसमें रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू नहीं दे रखी थी, बट आपने एक क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा था, एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ था। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है तो आप रिवर्स पूरा चलते हुए रॉ मटेरियल कंजम्पशन को पहले से नीचे निकाल सकते हो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है उससे भी हम रिवर्स चलते हुए पूरा जो कुछ कर सकते हैं, पूरी कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन को पहले से नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। इन तीनों के टोटल को हम क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट की प्राइम कॉस्ट में ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हमें क्या मिलता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट को मिलता है। उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं वर्किंग प्रॉफिट को, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग प्रॉफिट को, तो हमें क्या मिलती है, फैक्ट्री कॉस्ट वैल्यू मिलती है। उसके अंदर हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन को, ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल को, ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को, और लेस करते हैं रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप को, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू। उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड, हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलता है। उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल को, ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, जिसमें मार्केटिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐड करते हैं। उसके बाद में हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स लिखने के बाद में हमें डिफरेंस में क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस मिलता है। बस सेम इसी तरीके से आपको कॉस्ट शीट एकदम दिमाग में याद रखनी चाहिए कि कौन सा बाद में लिखना है, कौन सा पहले लिखना है। इन सबको अगर आप याद रखोगे और थोड़ा सा कौन कौन सी कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना है परचेज को, ऐड करना है एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज को, उसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करना है स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो टाइप के होते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल। रिलेटेड टू प्रोडक्शन को हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं, और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ में हम लिख लेते हैं। स्क्रैप दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्रैप ऑफ मटेरियल और एक होता है अदर। स्क्रैप ऑफ मटेरियल को हम क्या करते हैं, स्क्रैप ऑफ मटेरियल को हम मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करते हैं, और अदर को फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम इसको माइनस करते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो हम स्क्रैप को अदर स्क्रैप ही एज्यूम करते हैं। प्रोडक्शन, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, अगर इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही एज्यूम करते हैं। पैकिंग कॉस्ट दो तरह की होती है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं, और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम पैकिंग कॉस्ट को प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट मानते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ा। स्टॉक तीन तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिनिश गुड्स के स्टॉक अगर आपको वैल्यूएशन करना पड़ जाए तो कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करो प्रोडक्शन की यूनिट का, मल्टीप्लाई करो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट का, तो हमें क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन में वैल्यूएशन नहीं दे रखा है तो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की जो यूनिट होती है, अगर इसमें प्रोडक्शन की यूनिट को ऐड करोगे और सेल्स की यूनिट को लेस करोगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट भी मिल जाएगी, करेक्ट। तो ये आज की क्लास को हम यहां पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।